इसराइल और हमास के बीच जंग का सिलसिला लगातार जारी है। दिन ब दिन युद्ध और ज्यादा विध्वंसक रूप लेता जा रहा है। इसराइल के हमलों में गाजा के निर्दोष जनता और बच्चों को इसका प्रहार भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसराइल को जवाब देने के लिए हमास के लड़ाके भी पीछे नहीं हट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के खान यूनिस शहर में इसराइली बलों के साथ जंग जारी है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी और हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायली सेना को इस कार्रवाई में काफी नुकसान भी पहुंचा है। इस कड़ी में अल कसम ब्रिगेड ने पुष्टि की है कि उसके लड़ाकों ने शावास का इस्तेमाल करके एक इजरायली सैन्यवाहक को निशाना बनाया। दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस शहर के उत्तर में स्थित हमाद टाउन में इजरायली सेना को ले जा रहे वाहक को निशाना बनाया। इसके साथ ही अल कसम ब्रिगेड का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह इजरायली ड्रोन को हवा में ही मार गिराते हैं। अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल यासीन 105 एंटी टैंक मिसाइल और टेंडेम गोले का उपयोग करके एक इजरायली सैन्यवाहक और एक मरकवा टैंक को भी निशाना बनाया। जंग में हो रहे हमले यही नहीं रुके। अल कसम ब्रिगेड के साथ साथ अल कुद्स ब्रिगेड ने गाजा में इजरायली फोर्स पर जबरदस्त हमला किया। अल कुद्स ब्रिगेड ने पुष्टि की कि उनके लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइलों का उपयोग करके मध्य क्षेत्र में अल जहरा शहर के उत्तर में कई इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। इन हमलों के चलते इजरायली कब्जे वाली सेना हताहत हो गई। अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों और इजरायली सेना के साथ टकराव के दौरान कुछ लोगों के मारे जाने और घायल होने की भी खबर है। हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने हाल ही में खान यूनिस में इजरायल बल को 2 मंजिला इमारत में फंसाया और उसके बाद उसे बम से उड़ा दिया। अल कसम ब्रिगेड के इस दावे की पुष्टि खुद इजरायली सेना ने की थी। इस बीच जबालिया शिविर में मुजाहिदीन ब्रिगेड ने कम दूरी की मिसाइलों का उपयोग करके इजरायली सैनिकों की एक सभा को निशाना बनाने की पुष्टि की। वहीं अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के लड़ाकों के साथ मिलकर इजरायली फोर्स पर हमला बोला था। जैसे जैसे इजरायली फोर्स गाजा में आगे बढ़ रही है, उसे कई ताकतों का सामना करना पड़ रहा है, कई हमलों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस जंग में अब तक दोनों देशों के कई सैनिक युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा रखी है। इस जंग को कई देशों ने रोकने या युद्ध विराम की भी कोशिश की, लेकिन ये जंग रुकने की बजाय और भयंकर हो गई। 7 अक्टूबर को हमास के सबसे बड़े हमले में इजरायल में लगभग 1160 मौतें हुई। फिलिस्तीनी ग्रुप ने लगभग 250 इजरायली और विदेशी लोगों को भी बंधक बना लिया था, लेकिन इसके बाद इजरायली सेना के हमले से गाजा और वहां के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल के जवाबी अभियान में गाजा में 31,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में 23 लाख लोगों में 85% से ज्यादा बेघर हो गए हैं, जबकि तकरीबन 72,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गाजा की 1/4 आबादी खाने पीने की गंभीर समस्या से गुजर रही है।